तो हेलो यार फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले अपनी इस टेनिस की बॉल को लेदर जैसा एकदम हार्ड और स्ट्रॉन्ग। ये इतनी ज्यादा हार्ड हो जाएगी कि एकदम लेदर की बॉल जैसा वर्क करेगी। तो इसको बनाना हम शुरू करते हैं, तो आप देखते रहिएगा क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें जरूरी होने वाली है। सबसे पहले हम इसे हीट दे देंगे। आपके पास लाइटर हो तो आप लाइटर की मदद से, या चाहे तो मेरी तरह डायरेक्ट गैस से भी गर्म कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको गर्म करना है। सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर अपनी बॉल को रख दूंगा और धीरे धीरे इसको थोड़ी देर घुमा घुमा के गर्म करते रहूंगा। देखिए, मैं इसे चारों तरफ से अच्छी तरीके से गर्म कर देता हूँ। इसको गर्म करने एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी तरफ से ज्यादा नहीं जलनी चाहिए, मतलब बराबर जलनी चाहिए चारों तरफ से। तो मैं इसे फटाफट थोड़ी देर हीट दे देता हूँ और फिर हीट देने के बाद हम देखते हैं किस तरीके की हो गई है। देखिए, अच्छे से गर्म हो गई है। मैं इसे अपने स्टूडियो ले आता हूँ और अब देखते हैं। देखिए, अब मैं ले आया हूँ। अब मैं एक कपड़े के ऊपर इसको रख के अच्छे से इसको पोंछ लूंगा। तो आप कोई से भी कपड़े की मदद से इसे अच्छे से पोंछ लीजिएगा। एक बात का आप खास ध्यान रखिएगा कि अच्छे से चारों तरफ से पोंछ दीजिएगा, मतलब जो इसका काला रंग है वो हट जाना चाहिए, ऊपर की जो कवर है इसकी लेयर हट जानी चाहिए। देखिए, कुछ इस तरीके से हट चुकी होगी। देखिए, इस तरीके से अच्छी तरीके से हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ी और लेयर है तो उसको भी अच्छी तरीके से हटा दूंगा। हटाने के लिए मैं इसके ऊपर पानी डालूंगा और इसे अच्छे से रगड़ दूंगा, मतलब जैसे कपड़े धोते हैं इसे इस तरीके से मैं इसे अच्छे से धो दूंगा। देखिए, कुछ इस तरीके से धोने के बाद मैं रेगमाल का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसे घिसने के लिए, ताकि ये और ज़्यादा प्लेन और इसका सरफेस और ज़्यादा क्लीन हो जाए, ताकि ये बाउंस और उतनी अच्छी लेदर की बॉल बन पाए। देखिए, थोड़ी देर मैंने घिसा इसे और घिसने के बाद ये कुछ इस तरीके की हो गई थी, जो काफ़ी सही थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हमें रख देना है कुछ एक घंटे के लिए फ्रिज में। तो मैं फ्रिज में इसे रख देता हूँ एक घंटे में, फ्रीजर में आपको रख देना है इसे एक घंटे के लिए। तो एक घंटे बाद हम इसे देखते हैं। तो एक घंटे बाद मैं आ गया इसे निकालने, तो आइए निकाल के देखते हैं। तो मैंने ये बॉल निकाल ली, अब इसे देखते हैं किस तरीके की हो गई है। मैं इसे ऊपर ले आया और ये देखिए कुछ इस तरीके की बॉल हो गई है। देखिए, कुछ इस तरीके की ये हो गई है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, और ठंडी भी हो रखी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं आपको बाउंस करके दिखाता हूँ। अब देखिए, मैंने इसमें दोनों हाथ से दबाई है, दबी भी नहीं, देखिए दब भी नहीं रही है। अब मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से बाउंस कर रही है। देखिए, अभी हम इसे बाहर जाके भी टेस्ट कर लेते हैं। तो आइए बाहर चलते एक बार टेस्ट करने। तो ये देखिए कितनी अच्छी से बाउंस करी, एक बार आप आवाज सुनिए इसकी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी चीजें आप घर में बना सकते हैं ऊपर।